हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। तो दोस्तों, एक बार हम फिर आए हैं अमर ऑटो लक्ष्मी नगर में। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे खड़ी है थंडरबर्ड 500 एक्स विद एबीएस। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, इसके रिव्यू बताएंगे, इसी की डिटेल बताएंगे क्या कुछ खास है इस गाड़ी में और क्या इसकी कैपेबिलिटी, क्या इसका प्राइस है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो थंडरबर्ड 500 एक्स के साथ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं थंडरबर्ड एक्स के बारे में। ये 500 है, 500 एक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेशिया से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ। ये इसके हेडलाइट है और इसमें जो दे रखा है, आप देख रहे हैं रिंग दे रखा है, इसको आप डे टाइम रनिंग लाइट के तौर पर देख सकते हैं। और इसमें जो दे रखा है प्रोजेक्टर लैम्प दिया हुआ है रॉयल एनफील्ड। ये रॉयल एनफील्ड की एक लौती बाइक है जिसमें प्रोजेक्टर हैंड लैम्प आता है, ना ही हिमालयन में आता है, ना क्लासिक किसी और सीरीज में आता है। ये थंडरबर्ड सिर्फ एक्स में ही आता है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी लाएगी रिंग। एक गोल्ड लाइट के अंदर एक छोटा सा रिंग आपको मिल जाता है और उसमें आप को ये मिलता है एक प्रोजेक्टर हैंड लैम्प, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि आप इसके इंडिकेटर, ये भी थोड़े से राउंड में है, ये भी थोड़े डिफरेंट शेप में है, थोड़े से अलग है, थोड़े छोटे हैं और राउंड में है। इस गाड़ी की अगर हम सबसे मेन पॉइंट पर बात करें तो दोस्तों, इस मॉडल में जो खास बात है, ABS है, जो कंपनी ने हाल फिलहाल में इसको ABS वर्जन के साथ उतारा। जैसे आप देख पा रहे हैं ABS जो यहाँ पे बैचिंग दी हुई है शॉकर्स के ऊपर, और ये एक ड्यूल चैनल ABS है दोस्तों। ऐसा नहीं कि केवल फ्रंट में ABS दिया है, कि सिर्फ रियर में दिया, सिंगल चैनल नहीं है, ये एक ड्यूल चैनल ABS गाड़ी है, जैसे कि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। और जो इसमें टायर्स की अगर हम बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने इसमें MRF के टायर दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्लोजअप लुक से दिखा देता हूँ।
इसमें MRF के टायर दिए हैं। रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में MRF के टायर देता है। ये नाइलो ग्रिप ज़ेपर टायर दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो राइट साइड के पोर्शन में देखें तो ये इसका इंजन है जो कि ब्लैक कलर की कोटिंग इस पर की गई है, आप कह सकते हैं पाउडर कोटिंग है, और जिसपे CNC इसमें जो CNC कट देख रहे हैं आप, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें केवल एक सिंगल ही हॉर्न दिया गया है। नीचे हम बात करें तो इंजन पे वैसे ही आरी की बैचिंग है, और ये आप गियर लीवर देख सकते हैं। फुटपैक इसमें राउंड दिए गए, बाकी अगर आप गाड़ी में देखेंगे तो एक स्क्वायर में होते हैं या फिर आप रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, बट इसमें जो इसके फुटपैक दिए राउंड भी दिए गए। राइट साइड में आप देख सकते हैं इसमें जो साइड स्टैंड है वो इसमें पूरे स्टील फिनिश के साथ है, और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में तो पूरी बैचिंग 500X विद थंडरबर्ड के साथ लिखा गया है। गाड़ी का कलर देखें तो काफ़ी कंट्रास्ट है, येलो कहें या इसको ऑरेंज कहें, काफ़ी अच्छे रंगों में रॉयल एनफील्ड ने थंडरबर्ड को निकाला है। काफ़ी अलग अलग रंग है, तो 350 सीरीज़ के अलग रंग है, और अगर 500 सीरीज़ की बात करें तो उसमें अलग रंग दिया है, लेकिन जो भी रंग दिया इसमें काफ़ी कंट्रास्ट दिया। अगर हम सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं सीट काफ़ी कुशनी लग रही है, और जो इसमें स्टिचेस दे रखे हैं वो भी सीट को काफ़ी अच्छे लुक दे रही है। अगर हम पीछे पिलियन सीट की बात करें तो सीट ओके है, ऐसा नहीं कि काफ़ी छोटी है या बढ़िया, लेकिन हाँ पिलियन राइडर को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हम राइडर की बात करें तो उसके लिए सीट काफ़ी आरामदायक है, काफ़ी ही सीट जो है काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी उसके लिए आरामदायक है। अगर हम पीछे की बात करें, पीछे आते हैं तो देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसको हम साड़ी गार्ड कहते हैं, इंडियन मोटरसाइकिल में आपको हर जगह देखेगा। और अगर हम फुटपैक की बात करें तो देखिए यहाँ पे आरी की पूरी बैजिंग दे रखी है, और हम रियर डिस्क दिखाते हैं इसमें जिसमें ड्यूल चैनल है ABS दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रियर डिस्क में भी आपको ABS दिया हुआ है। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं साइलेंसर पे के ऊपर एक यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, तो ये PS4 की वजह से दिया गया ताकि इसमें एमिशन नॉर्म्स का पता लग पाए। तो ये जो सेंसर आप देख पा रहे हैं सिर्फ 500 सीरीज़ में आता है। अगर हम नीचे बात करेंगे तो इसके ब्रेक फुटपैड पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रोटेक्शन दी गई है स्टील की, ताकि आपके जो पैर है वो साइलेंसर पे या इंजन से टच ना हो। अगर राइट साइड में और हम आते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें किक का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी के। तो फ्रेंड्स अब हम गाड़ी के राइट साइड की बात करते हैं, जैसे कि आप फ्रंट शॉकर पे भी देख रहे हैं इस साइड भी ABS की बैजिंग दी गई है, उसमें भी लिखा हुआ ABS ड्यूल चैनल। ये फ्रंट शॉकर जो आप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है दोस्तों, फ्रंट में इसमें क्लासिक की तरह नहीं दिया, इसमें कुछ अलग देने की कोशिश करें। और जो शॉकर है वो काफ़ी हैवी, ऐसे नहीं कि पतले से शॉकर हैं, तो ये हैवी ड्यूटी शॉकर आप इनको कह सकते हैं। अगर हम यहाँ राइट साइड में और इंजन के ऊपर देखें तो यहाँ पे RE की बैजिंग दी गई है, और ऊपर EFI 500 की यहाँ बैजिंग दी गई, ताकि आप सबको पता लगे एक EFI मॉडल है, इसमें कार्बोरेटर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एक EFI वर्जन है। यहाँ राइट अगर पीछे चले राइट साइड में तो फिर यहाँ 500X की बैजिंग दी गई है, और आगे देखते हैं कि इसके साइलेंसर की अगर हम शेप देखें तो ब्लैक कलर पूरा कोटेड, ब्लैक कोटेड साइलेंसर इसमें दिया गया है। गाड़ी का जो थीम है वो पूरा ब्लैक ही रखने की कोशिश की गई है। इसमें अगर साइलेंसर की बात करते हैं, यहाँ देखिए अभी पूरा ब्लैक कोटेड है, इसमें पाउडर कोट किया हुआ है, और एक कुछ अलग ही शेप का साइलेंसर है जो कि पूरा एक्सक्लूसिव कह सकते हैं कि थंडरबर्ड की सीरीज में ही आता है। बाकी इनकी मॉडल्स की तरह नहीं है कि उसमें स्टील का साइलेंसर जो आता है उसकी तरह ही नहीं है दोस्तों। अगर हम बैक में आए तो आप देख सकते हैं जो इसके टेल लाइट इसमें काफ़ी खूबसूरत दे रखी है, टोटल LED का इसमें टोटल LED लाइट है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही प्यारी टेल लाइट है। आप कह सकते हैं कि पूरी रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकों की सबसे प्यारी लाइट यही लगती है मेरे को, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो। अगर इसकी अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो दोस्तों दोनों टायर्स में ट्यूबलेस है, और ये पहली ऐसी बाइक है जिसमें रॉयल एनफील्ड ने ट्यूबलेस टायर के साथ अलॉय व्हील्स भी दिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल अलॉय व्हील्स है बट ये ट्यूबलेस टायर के साथ आ रहे हैं। रियर टायर भी जो इसका MRF का है, रियर टायर जो हम कहें तो दोस्तों ये 110 सेक्शन का है, और फ्रंट टायर वो 90mm सेक्शन का। और मैं अगर डिस्क की बात आपसे कहूँ तो रियर जो डिस्क है ये 240mm डिस्क है, और जो फ्रंट डिस्क आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये 280mm की इसमें डिस्क दी गई दोस्तों। और मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हैंडल पे भी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं, तो ये डिजिटल प्लस एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको RPM मीटर मिल जाएगा और आपका स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको आपका टोटल ओडोमीटर मिल जाएगा, किलोमीटर टाइमिंग आ रही है, आपका फ्यूल गेज इसमें मिल जाएगा। पहली रॉयल एनफील्ड की पहली गाड़ी थी जिसमें आपको फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल रहा था, और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बाकी गाड़ियों की तरह 500 सीसी का केवल रिजर्व पता है, इसमें आपको प्रॉपर फ्यूल इंडिकेटर दिख रहा है कि आपका हाफ हो गया है कि फुल हो गया, अब इसका एंड होने वाला अब रिजर्व है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जिसकी वजह से गाड़ी बहुत बिकी है, और यहाँ पे आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके पेट्रोल का, न्यूट्रल, आपकी बैटरी का, ABS का है, और ये आपका
इंजन टेम्परेचर के दोस्तों। तो ये था इसका जो इसमें लाइट लग रही है, ब्लू कलर की लाइट इसमें दी गई जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये यही कुछ है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो थंडरबर्ड 500X ABS वर्जन के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, हर बार की तरह ये रॉयल एनफील्ड की वीडियो बनाने भी मैं गया था अमर ऑटो विकास मार्ग। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो भी मैंने वहीं शूट करी है। अगर आप में से कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा दोस्त अगर ये बाइक लेना चाहता है तो शोरूम विजिट कर सकते हैं। ये आपको विकास मार्ग पर पड़ेगा। नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो है निर्माण विहार, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको शोरूम मिल जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी भाई कार लेने का, इस बाइक का मूड बन रहा है, लेना चाहते हैं, कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर दे दूंगा और आप डायरेक्ट शोरूम पे भी जा सकते हैं, वहां पे बाइक को देख सकते हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां पे आपको टेस्ट ड्राइव भी अवेल हो जाएगी। तो आप जाइए, शोरूम जाइए, विजिट करिए और बाइक को देखिए और पसंद आए तो बुक करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था एक बार अराउंड वीडियो और उसी के साथ था गाड़ी की डिटेल वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप में से जो आज मेरा भाई इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़ा है, या मेरे दोस्त आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल मेरा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूँ और मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।